नमस्कार, मैं हूँ कविता थपलियाल। कमोटी कॉल में आप सभी का स्वागत है। मॉनसून फिर से यहाँ सक्रिय हो गया है और आज पश्चिम और पूर्व भारत में आगे बढ़ रहा है। मॉनसून की चाल का कमोटी बाजार पर बड़ा असर पड़ा है और आगे लेंगे हम इसी का जायजा। लेकिन साथ ही कच्चे तेल की बात करें तो इसमें हमने जैसे चाल है उस पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन आपके पास भी अगर कोई सवाल है तो अपना सवाल आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-209-7890 और साथ ही आप हमें अपना सवाल 7045220000 पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट देंगे आपके तमाम सवालों के जवाब, साथ ही आपको बताएंगे कमाई के टिप्स। लेकिन पहले इस वक्त की सुर्खियां। कमोडिटी वायदा बाजार में संस्थागत निवेशकों के लिए रास्ता खुला। सेबी ने अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को कमोडिटी बाजार में निवेश को दी इजाजत। विदर्भ, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा में आगे बढ़ा मॉनसून। पूर्वी भारत के कई इलाकों में भारी बारिश, अगले 48 घंटे में मध्य प्रदेश और यूपी में दस्तक दे सकता है मॉनसून। हल्दी को छोड़कर एग्री कमोडिटी में चौतरफा गिरावट। सोयाबीन, सरसों और कैस्टर टूटे। ग्वार और कपास खली में भी बिकवाली हावी। कई इलाकों में बारिश से बना दबाव। खाने के तेल फिर से घरेलू बाजार में। पाम तेल 15 महीने के निचले स्तर पर। कच्चे तेल में गिरावट से खाने के तेलों पर भी बना दबाव। कच्चा तेल लुढ़का, भाव 9 महीने के निचले स्तर पर। सप्लाई बढ़ने से इस साल 20% टूटा दाम। बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच को $30 तक गिरने का अनुमान। कच्चे तेल में कारोबार के शुरुआत से हम देख रहे हैं कि दबाव बना हुआ है और इसका दाम पिछले 9 महीने के लोएस्ट लेवल पर आ गया है। वहीं बेस मेटल्स की बात करें तो इनमें भारी उठापटक के साथ कारोबार होता हुआ हम देख रहे हैं और कॉपर की शुरुआती गिरावट हालांकि यहां पर खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, जबकि एल्यूमिनियम की बात करें तो ये करीब 0.5% टूटा हुआ है। और मसालों की बात करें तो हल्दी को छोड़कर सभी मसाले यहां पर टूटे हुए हैं। जीरे की बात करें 1.5%, इलायची 1% और धनिये में यहां लगभग 2% की कमजोरी के साथ कारोबार हो रहा है। लेकिन चलिए आज हमारे शो में कौन जुड़ रहे हैं आपको बताते हैं। आज हमारे साथ एसएमसी कॉम्ट्रेड के रवि सिंह है और कोटक कमोडिटीज के फयाज उदानी, आप दोनों का ही स्वागत है। शुरुआत करेंगे हॉट पिक्स के साथ और रवि सबसे पहले आप बताएं आपकी नॉन एग्री पैक में आज की हॉट पिक्स क्या है। कविता जी, फिलहाल तो आज अगर देखें तो जो मोमेंटम है काफी साइडवेज है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सोने में यहाँ पर एक बार खरीदारी करनी चाहिए। अपसाइड में देखें तो एक बार 28,680 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, तो 100 रुपए के स्टॉप लॉस से सोने में खरीदारी करें। साथ ही कच्चे तेल में जैसा अभी आपने बताया 9 महीने के निचले स्तर पर है, तो यहां से थोड़ा सा एक बाउंस बैक करने के चांसेस है, तो मुझे लगता है कि यहां पर भी एक बार बाय करके चलना चाहिए। अपसाइड में एक बार 80 से 90 रुपए तक की रैली आपको देखने को मिल सकती, तो 50 रुपए के स्टॉप लॉस से 2890 के टारगेट के लिए एक बार बाय करके चलना है। क्रूड और गोल्ड आपकी आज की हॉट पिक्स है नॉन एग्री पैक में। फयाज आप बताएं एग्री कमोडिटीज में आपकी हॉट पिक्स क्या है आज के लिए। कविता, मेरी पहली हॉट पिक रहेगी सीपीओ एमसीएक्स पर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट। इस पर हमने एक सेल कॉल सजेस्ट किया है, 472 के लेवल पर इसे बेचे। 467 का इसका टारगेट रहेगा और 475.10 रुपए इसका स्टॉप लॉस रहेगा। मेरी आज की दूसरी पीक रहेगी एनसीडेक्स पर कैस्टर जुलाई कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी हमने सेल कॉल रिकमेंड किया है, 4260 के लेवल पर इसे बेचे। 4200 का इसका टारगेट रहेगा और 4291 रुपए जो है इसका स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कच्चे तेल की। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि गिरावट गहरा गई है और इसका दाम जो है पिछले 9 महीने के लोएस्ट लेवल पर लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। नाइमेक्स पर साफ तौर से क्रूड $43 के स्तर पे आ गिरा है और अगर ब्रेंट की बात करें $46 के नीचे कारोबार कर रहा है और इस साल के ऊपरी स्तर से क्रूड में करीब 20% की गिरावट आ चुकी है। और इस बीच बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने क्रूड को $30 तक गिरने की आशंका भी जताई है। दरअसल नाइजीरिया और लीबिया का उत्पादन बढ़ने से ओपेक से क्रूड की सप्लाई बढ़ गई है और अमेरिका भी कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ा रहा है। ऐसे में रवि आप ये हमें बताएं कि $30 तक क्या गिरने का अनुमान है कच्चे तेल का और अगर ऐसा होता है आपके हिसाब से अब रणनीति इस लेवल को लेकर क्या होनी चाहिए। देखिए, दो चीजें यहां पर आपने बिल्कुल क्लियरली मेंशन किया, लेकिन एक फैक्टर जो है वो ये है कि अगर आप रुपी को कैलकुलेट करेंगे तो इंडिया में लेवल्स थोड़े दूसरे होंगे। पहली बात आपने बताया कि यहां पर 9 महीने निचले स्तर पर है, आगे अगर $30 का भी एक अनुमान लगा के चलते हैं तो रुपी जो अभी इस समय 64.50 रुपए है अगर वो स्टेबल रहता है तो यहां से कम 200-250 पॉइंट तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती। लेकिन अगर ऐसा सिनेरियो होता तो मुझे लगता है रुपी में थोड़ी वीकनेस होगी जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में कच्चा तेल बहुत ज्यादा
ज्यादा सस्ता नहीं होगा। दूसरी तरफ फंडामेंटली अगर देखें तो यहां पर लीबिया या फिर ओपेक कंट्रीज का जो इश्यूज हैं वो थोड़े से सॉल्व होते हुए नजर अगर आते हैं, या फिर प्रोडक्शन कट को लेकर के कुछ ऐसा डेवलपमेंट देखने को मिलता है तो थोड़ा सा पुल बैक आने के ज्यादा चांसेस हैं। अभी अगर देखें हाल फिलहाल में हफ्ते दर हफ्ते के हिसाब से देखें तो मुझे लगता है काफी हद तक $38 के नीचे के लेवल सस्टेन कर पाना थोड़ा मुश्किल है। लॉन्ग टर्म पे उसके बाद अगर देखें तो हो सकता है $35 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन मोमेंटम जो अभी क्रिएट है वहां पर एक बार सपोर्ट देखने को आपको मिल सकता है। लॉन्ग टर्म पे अगर सप्लाई इसी तरीके से बनी रही तो जरूर है कि $30 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपकी हॉट पिक के मुताबिक आपने कच्चे तेल में खरीदारी की रणनीति यहाँ पर सुझाई है, लेकिन आपका टारगेट यहाँ पे 2890 के आसपास का है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं।